की लोलो करिश्मा कपूर आजकल कहाँ है, क्या कर रही है, सब जानना चाहते हैं। नए साल पर वेकेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ करिश्मा कपूर निकली थी, जहां उनके बेटे कियान और उनकी बेटी समायरा भी उनके साथ थी। इसके बाद आपको अगर बताना चाहेंगे हम ये बात कि कैसे करिश्मा कपूर जो है दोबारा से बॉलीवुड में कम बैक करने को लेकर चर्चा में रही है। वेल, सोर्सेस की माने तो करिश्मा बॉलीवुड में फिर से लौटने की एक्साइटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से फिट हैं और उनके बच्चे भी अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें अब पूरे टाइम मॉम को इर्द गिर्द घूमने की ज़रूरत नहीं। उनके बच्चे काफ़ी समझदार भी हो चुके हैं। मदरहुड के कारण करिश्मा ने बॉलीवुड से नाता तोड़ा था और वो शादी के बाद काफ़ी सालों बाद जब बॉलीवुड में लौटी डेंजरस इश्क फिल्म के जरिए, तो वो फिल्म फ्लॉप हुई। अब तलाक के बाद बॉलीवुड के पर्दे पर करिश्मा को नहीं देखा गया। ऐसे में करिश्मा कौन सी फिल्म में आएंगी, ये तो देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर चर्चा करिश्मा के इन तस्वीरों की हो रही है, तो आपको बता दें करिश्मा ये जो तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें हैं वॉग ब्यूटी अवार्ड समारोह का, जहाँ पर अमित अग्रवाल, डिजाइनर अमित अग्रवाल के ड्रेस को प्रमोट करती हुई करिश्मा कपूर शॉर्ट क्रिम्पिंग ड्रेस में नजर आई और इस ड्रेस में हो गई वो एम्बेरस्ड। ड्रेस डिजास्टर से नहीं बच पाई करिश्मा, क्योंकि ड्रेस उनकी जो ट्यूब ड्रेस थी, ट्यूब डिजाइन के कारण उन्हें अनकंफर्टेबल हुआ और कैमरा में कैद हो गया करिश्मा कपूर का ये हाल। जी हाँ, कुछ ऐसे हश्र में नजर आई करिश्मा को। कैमरा के सामने ही अपनी ड्रेस खिसकने पर उन्हें अपनी ड्रेस को संभालने के लिए वहां लोगों की मदद के बिना खुद ही ऐसा करते हुए देखा गया। फैशन के कारण करिश्मा भी थोड़ी एम्बेरेस हुई। वैसे करिश्मा की हेयर स्टाइल की तारीफ भी हुई थी, वही मेकअप को लेकर करिश्मा 40+ होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर मेकअप डिजास्टर को लेकर भी चर्चा में रही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।